2024 की लड़ाई पिछड़ों पर आई क्यों आ गई है, पिछड़े वर्ग को साधने के लिए क्या कवायद हो रही है, कैसे पिछड़े और दलित वोटरों पर सब पार्टियों की नजर है, जहां बीजेपी की नजर वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक नया पैंतरा चल दिया है, क्या है आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है, सभी दल अपना अपना समीकरण बिठाने लगे हैं। सबसे ज्यादा जोर अजमाइश उत्तर प्रदेश में हो रही है बीजेपी की सियासी चाल का मुकाबला करने के लिए। समाजवादी पार्टी ने भी पिछड़े वाला दाव खेल दिया है। सपा ने अपनी जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है उसमें पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों को ही जगह दी गई, यह आपको समझना होगा, पिछड़ों दलितों मुसलमानों को जगह दी गई है, यहां ब्राह्मण और ठाकुर चेहरा इससे आउट कर दिया गया है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उससे ब्राह्मण और ठाकुर आउट कर दिया गया है, यानी पिछड़े दलित और मुसलमानों को जगह दी गई है। बड़े पदों से ब्राह्मण और ठाकुर को आउट कर दिया गया है। तो जिस तरह हम बात करें, कुल मिलाकर सपा ने ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संकेत दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई पिछड़ों के बूते लड़ी जाएगी। वहीं सपा के पिछड़ों वाली चाल से पहले बीजेपी अपना दाव चल चुकी है। बीजेपी अपने फैसले साबित कर चुकी है कि पार्टी पिछड़ों दलितों को तवज्जो दे रही है और यूपी में इस बार सत्ता का संग्राम भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब जब सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछड़े वर्ग को तवज्जो दी है तो साफ हो गया कि उसने बीजेपी को सियासी पछाड़ देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सपा को इस खास रणनीति का कितना फायदा मिल पाएगा। यूपी के सियासी दंगल में पिछड़ों की लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगेगी। तो पिछड़े वोट बैंक पर सबकी नजर है। चलिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आलोक वर्मा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे और हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोग अजीत भी हैं, विजय उपाध्याय हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले रुख अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, अगर हम बात करें 2024 की लड़ाई पिछड़ों पर आई, पहले समाजवादी पार्टी यह सोचती थी कि एमवाई फैक्टर से हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित वोटरों को साधने की कोशिश है और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें ब्राह्मण ठाकुर चेहरा गायब लेकिन दलित और पिछड़े लोगों को मौका दिया गया है। देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव जेपी इस बात को पूरी तरह से समझते हैं। जो 2022 के विधानसभा के चुनाव परिणाम आए उनको भी इस बात का अंदाजा लग गया कि सिर्फ वो एमवाई समीकरण से वो उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। और देखिए बीजेपी ने पहले ही पिछड़ों का दांव खेल दिया। बीजेपी की जो नई टीम बन रही है उसमें भी पिछड़े भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह जैसे चेहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे हैं। इसीलिए आप देखिए रामचरितमानस पर इतना सब कुछ बोलने के बावजूद अखिलेश यादव ने स्वयं प्रसाद मौर्य पर कोई लगाम नहीं लगाई बल्कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अगर आप सूची की बात करें तो देखिए आप चाहे रामगोपाल यादव की बात करिए, शिवपाल सिंह यादव की बात करिए और उसके बाद अगर आप नाम पर आ जाएं तो स्वयं प्रसाद मौर्य वो भी पिछड़ा चेहरे, रवि प्रकाश वर्मा वो भी पिछड़े चेहरे, इसके अलावा बलराम यादव आजमगढ़ से हैं, अतरौलिया से कई बार विधायक रहे, एमएलसी हैं सरकार में, बड़े नेता हैं यादवों के पूर्वांचल के, लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं कुर्मी बिरादरी के, रामचल राजभर अकबरपुर विधानसभा से विधायक हैं, बड़े नेता हैं राजभरों के। तो अखिलेश यादव को लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की काट हो सकते हैं और जो है राजभर। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए अवधेश प्रसाद भी फैजाबाद के रहने वाले हैं, दलित चेहरे हैं, मिल्कीपुर से विधायक हैं, जो इंद्रजीत सरोज हैं वो भी पासी बिरादरी से आते हैं। तो देखिए आजम खान को उन्होंने जगह दी है, तो यानी मुस्लिम दलित और पिछड़े वर्ग जो चेहरा, आप देखिए हरेन मलिक की बात कर लिए, नीरज चौधरी की बात कर लिए, तो अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर आपको 40% से अधिक अगर आपको वोट लेना है तो ये पूरी लड़ाई पिछड़ों पर लानी पड़ेगी और 24 की लड़ाई पिछड़ों पर आई। बीजेपी पहले ही मास्टर प्लान बना चुकी है, बीजेपी पहले ही पसमांदा मुस्लिम हो, दलित चेहरे हो, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग हो उसको लेकर बड़े पैमाने पर काम करे। तो अखिलेश ने भी जो अपनी राष्ट्रीय महासचिव, बिल्कुल पिछड़ों की काट पिछड़ों से ही चली है और यही एक बड़ी बात है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा जीत, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमें अपडेट दे रहे थे कैसे सियासत हो रही है पिछड़ों को लेकर। आलोक वर्मा जी, टेंशन बढ़ गई होगी, जो सूची आपने देखी होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समाजवादी पार्टी की, टेंशन बढ़ गई आप लोगों की? तो फिर देखिए समाजवादी पार्टी कोई सियासी पार्टी नहीं रह गई, शिकारियों का जमघट है जो जाल बिछाता है, लेकिन समझ नहीं रहे हैं 21वीं सदी का। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।